हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में बीबीएम का ही यूजी सेमेस्टर थर्ड, ठीक है, आज हम उसी का जेनरिक पेपर या जनरल पेपर इसे कहा जाता है, आज हम हिस्ट्री पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखने वाले जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने टोटल आप लोग को 8 से 10 प्रश्न बताएंगे जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका जेनरिक पेपर हिस्ट्री होगा या जनरल पेपर, ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को देखते हैं, जिनमें से पहला प्रश्न आपका अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन करें, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न है शेर शाह के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करें। ये जितने भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर थ्री है बाबर की विजेताओं साम्राज्य निर्माणता का वर्णन करें। और नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें, ठीक है। और अगला प्रश्न जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा पर प्रकाश डालें, ठीक है। और अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 होगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, ठीक है, इसको आप लोग जरूर करके जाइएगा। औरंगजेब की धार्मिक नीति का वर्णन करें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, शिवाजी के विजय और प्रशासन का वर्णन करें। और क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में पुर्तगाल, फ्रेंच, यहाँ पे फ्रेंच होगा, ठीक है, फ्रेंच और अंग्रेज के आगमन का वर्णन करें, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था पर जो है अंतर स्पष्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 9 और इम्पोर्टेंट भी, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर टेन शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी के युद्ध का विवेचना करें। और आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, औरंगजेब की दक्षिण नीति का मूल्यांकन करें। तो इस प्रकार आपके एग्जाम के बीच हमने टोटल 11 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है, अगर आप चाहते कि हम इम्पोर्टेंट पूरा पढ़ें जो आपके एग्जाम आए, तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और यहाँ पे मुगल साम्राज्य, क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पे अगला प्रश्न औरंगजेब की धार्मिक नीति, और यहाँ पे अगला है यहाँ क्वेश्चन नंबर होगा मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था पर अंतर्स्पर्श। तो इस प्रकार हमने टोटल आप लोगों को 11 प्रश्न बताए, ठीक है। जितने भी आपको प्रश्न बताया जा रहा है आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग इतना पढ़ के जाते तो यहाँ पे आप लोग बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।